हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मोनिका से ब्लॉग से। तो गाइस, आर्या भी आ गया है। तो आज हम लोग शेयर करने वाले कमर छठ पूजा, जो कि ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है, बच्चों के लिए है। तो गाइस, आज भी शेयर करने वाली हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, रेडी हूँ। आर्या भी तैयार है पूजा में जाने के लिए। तो गाइस, हम दोनों तैयार हैं, अभी हम सब लोग मिलकर जाने वाले कमर छठ पूजा। तो आप लोग शेयर करने वाली हो, तो प्लीज अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और साथ ही जो न्यू सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, साथ ही बेल का आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। तो गाइस, मैं वीडियो चालू करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे कैसे कमर छठ का पूजा किया यहाँ, और आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, और बताइए कैसा लग रहा है आर्या और आर्या की मम्मी। तो गाइस, मैंने सिंपल सा साड़ी पहना हुआ है और हम लोग जाने वाले हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो चालू करती हूँ। तो गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ, हसष्ठी जो कमर छठ का पर्व है वो किस लिए रखा जाता है। यह पर्व महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। यह पर्व भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। संतान प्राप्ति हुए के दीर्घायु को सुखमय जीवन की कामना के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएँ सुबह से ही महुआ पेड़ की डाली का दातुन करके स्नान करती है। व्रत के दौरान व्रती महिलाएँ इस दिन भैंस के दूध की चाय पीती हैं, तथा दोपहर के बाद घर के आंगन में, यदि मंदिर या गाँव के चौपाल आदि में बनावटी तालाब सगरी कहते हैं जिसे नाक जल भर कर पूजा अर्चना करती हैं। व्रती महिलाएं इस तालाब के पार में काशी के फूल को सजाती हैं। सामने एक पाटे पर गौरी, गणेश, कलश व हसष्ठी देवी की पूजा करती हैं। साड़ी और सुहाग की सामग्री भी महिलाएं चढ़ाती हैं। हसष्ठी माता की छह कहानी की कथा के रूप में श्रवण करती हैं। इस व्रत में पूजन के बाद माताएं अपने संतान के पीठ पर हल्दी की से भीगा हुआ पोता मारते हैं, जो माता द्वारा दिया गया रक्षा कवच का प्रतीक है। इस व्रत पूजन में छह की संख्या अधिक महत्व है। जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवा दिन, छह प्रकार की भाजी, छह प्रकार के खिलौने, छह प्रकार के अन्न वाला प्रसाद तथा छह कहानी की कथा का संयोग है। पूजन के बाद व्रत करने वाली महिलाएं जब भोजन के लिए बैठती हैं, तो उनके भोज्य पदार्थ में पसहर, चावल का भात, छह प्रकार की भाजी जिसमें मुनगा, कद्दू, सेमी, तरोई, करेला, मिर्च के साथ भैंस दूध, दही व घी, सेंधा नमक, महुआ के पत्ते का दोना आदि का उपयोग करते हैं। यह पौराणिक कथा है। व्रत की पौराणिक कथा का यह है कि वासुदेव की छह पुत्रों को कंस ने कारावास में मार डाला था। तो इसी वर्ष का समय नज़दीक आता है, तो देवर्षि नारद ने देवकी को हसष्ठी देवी का व्रत रखने का की सलाह दी है। देवकी ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हो। तो इसलिए हसष्ठी कमर छठ का पूजा किया जाता है। तो गाइस, हम लोग भी पहले पूजा कर लिए पहले, फिर उसके बाद जो उसमें हम लोग का जो सरगी है उसमें हम लोग पानी डालेंगे, और जो भैंस का दूध है वो डालेंगे, भैंस का दही है वो डालेंगे, फिर उसके बाद काशी भी चढ़ाते, बट यहाँ पर मुझे काशी नहीं मिला, तो हम लोग काशी नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि काशी यहाँ पर नहीं आया था मिलने कोरोना के कारण, तो हम लोग नहीं चढ़ा पाए। तो यहाँ पर हम लोग पानी वानी डालेंगे, भगवान का पहले पूजा करेंगे, फल वल से चढ़ाएंगे भगवान को, और सिंदूर का जो श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ाएंगे। तो गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पूजा विधि विधान से किया, जो मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट बताना कैसा लगा आप लोग को वीडियो। सभी महिलाएं तैयार होकर आई हुई हैं और सभी लोग पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से सब लोग मिलके पूरा पूजा करते हैं। इसमें सारी महिलाएं बैठ के कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद फिर छह बार कुंड का फेरा करते हैं, जो सरगी बनाया हुआ ना, तो उसमें हम लोग को छह बार घूमना है। फिर उसके बाद हम लोग फिर आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद लेके सब फिर जाते हैं घर। घर में जाके अपना जो पसर चावल होता है और जो जिस प्रकार के भाजी जो मिले होते हैं वो खाते हैं, सब्जी बना के, और जो सब्जी जो बनाते हैं, चावल जो बनाते हैं, उसमें चम्मच का भी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ डंडे से ही उसे पकाना होता है, और पत्री में ही खाना पड़ता है, पत्तल में जो पत्ते होते हैं उसमें, और लाई, महुआ, और जो सिक्स प्रकार के वो जो रहते हैं अनाज वो चढ़ता है इसमें, जो बिना हल जोते वाला। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग सब पानी डाल लिए हैं स्कूल में, सब पूरी महिलाएं कर लेंगे एक साथ, फिर उसके बाद कथा स्टार्ट होगा। तो अभी सब लोग अभी सब अपने अपने पूजा कर रहे हैं। पूजा होने के बाद फिर सब कथा सुनने को बैठेंगे। कथा सुनने के बाद सब एक साथ आरती करेंगे। आरती करने के बाद सब लोग छह बार घूमना है, उसके बाद सब लोग अपना जो उपास तोड़ते हैं घर में जाके व्रत को तोड़ेंगे। तो गाइस, हमारे इधर छत्तीसगढ़ में इसी तरह से पूजा बनाया जाता है, तो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं।
अरे अरे अरे।